जरा एक मिनट सोच के देखो कि जिस दिन तुम अपने डेथ बेड में पड़े रहोगे और अगर ये सोचोगे कि मैं जिंदगी में क्या करना चाहता था, वो करना चाहता था, ऐसा करना चाहता था और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहता था, खूब मेहनत करना चाहता था, उनके जीते जी में सफलता हासिल करना चाहता था, पर कुछ ना कर पाया, सब कुछ धरा का धरा ही रह गया, जिंदगी ऐसे ही बीत गई। मैं हमेशा से जानते हुए कि ये समय कभी वापस नहीं आएगा, अक्सर समय बर्बाद करता रहा, मैं क्यों ना सुधर सका। हर साल एग्जाम में ये सोचता था कि मम्मी से वादा करता था कि इस साल अच्छे से पढ़ूंगा और कभी वादा पूरा नहीं किया। चाहता था अपने पैसों से माँ बाप के सपने पूरा करूंगा, पर सब धरा ही रह गया। जानता था कि मैं जिंदगी में कुछ और भी कर सकता हूँ, पर लोग क्या कहेंगे, इस शर्म से कुछ भी ना कर पाया। शायद किया होता, भले ही मैं कामयाब होता या नहीं होता, लेकिन साला जिंदगी में एक सुकून होता कि मैं जिंदगी को बर्बाद नहीं किया, एटलीस्ट जिया तो सही। जानता हूँ ये नहीं हो सकता, लेकिन आज सोचता हूँ कि जिंदगी अगर एक मौका दे तो मैं वो सब कुछ करना चाहता हूँ जो मुझे लगता है मुझे जिंदगी में करना चाहिए था, जो मैं लोगों से और दुनिया से डर के नहीं कर पाया। एटलीस्ट अपने माता पिता से माफी तो मांग सकूं। उस समय आपको लगेगा कि साला जिंदगी ने कितना कुछ दिया, इतने अच्छे माता पिता जिन्होंने अच्छी से अच्छी स्कूल में दाखिला कराया, हम पढ़ लिख कर कुछ कर सके, कितनी सुविधा मिली हमें, लेकिन फिर भी सिवाय समय बर्बाद करने के हमने कुछ भी नहीं किया। 24 घंटे, सातों दिन और न जाने कितने साल यूं ही बिता दिए। एक तिहाई जिंदगी तो सिर्फ सोने में बिता दी। मोबाइल चलाते चलाते कब जिंदगी हाथ से निकल गई पता ही नहीं चला। कितने सपने देखे, कैसी जिंदगी जीना चाहता था, ये जानते हुए भी कि ये सपने यूं ही पूरे नहीं होते। बड़े सपनों के लिए बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है, कई रात जागना पड़ता है। यूं ही सोते रहने से ये कभी पूरे नहीं होंगे। मैं क्यों इन मौकों को चूक गया, पर खैर अभी भी देर नहीं हुई है। आज तुम कोई डेथ बेड में नहीं हो, आज तुम ये सब जानते हो। अभी भी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, अभी भी संभला जा सकता है, इसे अच्छा बनाया जा सकता है, जिंदगी को जिया जा सकता है। इसीलिए कसम खाओ कि जिंदगी के दिए हुए इस वक्त को तुम कभी बर्बाद नहीं करोगे। दोस्त, वो दिन का इंतजार मत करो जब जिंदगी तुमसे पूछे कि तुमने जिंदगी में क्या किया और तुम्हारे पास कोई जवाब ना हो। इसीलिए अपने माता पिता का आशीर्वाद लो और अपने सपनों को पूरा करो, क्योंकि यही तुम्हारा कर्म भी है और तुम्हारे जीवन का उद्देश्य भी। जय हिंद।